भगवान है, ऐसा भगवान कोई भी हो सकता है। हर आदमी में क्षमता है, करना क्या है, भीतर से भगवान बैठा हुआ है, उसका उद्घाटन। एक उदाहरण देकर बात समाप्त करता हूं। अब लोग मंदिर गए होंगे, कहीं किसी मंदिर में तो शिवलिंग स्थापित है, किसी मंदिर में मूर्ति स्थापित है, एक से एक मूर्ति है। क्यों मूर्ति इस रूप में थी? पहले खदान से एक निकाला जाता है एक पत्थर, चाहे काला पत्थर हो, चाहे लाल पत्थर हो, चाहे संगमरमर हो, चाहे जो पत्थर हो, एक पत्थर निकाला जाता है, बेडोल कुरु। हमारे वो पत्थर बेडोल है, बहुत काम की चीज नहीं है वो पत्थर, लेकिन एक वही बेडोल पत्थर जब एक कलाकार के हाथ में पड़ता है, एक मूर्तिकार के हाथ में पड़ता है, तब छीने हथौड़ी लेता है, उसको गढ़ना छीलना संवारना शुरू करता है। कैसे? एक दिन में नहीं, धैर्य पूर्वक लगन के साथ समर्पित होकर के लंबे समय तक संवारते गया, संवारते गया, संवारते गया, शोधते गया, शोधते गया। फिर दिन वह आता है जब पत्थर पत्थर नहीं रह जाता है, सुंदर मूर्ति बन जाता है। मूर्तिकार ने मूर्ति को पत्थर में बाहर लाकर बैठाया नहीं है, वो मूर्ति उसी पत्थर में छिपी हुई थी। कलाकार ने क्या किया? पत्थर को गढ़ने का, छीलने का, संवारने का, शोधने का काम किया। फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, सुंदर मूर्ति बन गया। अब मूर्ति ही नहीं रहा पत्थर, किसी मंदिर में प्रतिष्ठा हुई, भगवान बन गया। कैसे भगवान बना? शोधने से। ऐसे ही हम और आप जब अनेक दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुराचरण, गलत आदत, अनेक गलत कर्म, गलत स्वभाव में लिपटे हुए हैं, तो अनगढ़ पत्थर हैं। सेवा से, भक्ति से, प्रेम से, विश्वास से, संयम से, साधना से अपने को गढ़ना है, अपने संवारना है। संवारते हम संवारते जाएंगे, भीतर जो भगवान बैठा हुआ है उसका उद्घाटन हो जाएगा। लाना नहीं पड़ेगा कहीं से, भगवान पाना नहीं है बाहर से आपको। बाहर से भगवान मिलेगा तो मिलेगा तो छूट जाएगा, प्रकृति का नियम है, जो मिलेगा छूटेगा। भगवान बाहर से मिलेगा ना तो दो दिन चार दिन साथ में आपके साथ रह जाएगा, बहुत समय नहीं रह पाएगा। अब बहुत समय रह जाएगा ना तो क्या खाओ, भगवान को टेंशन में आ जाओगे, खिलाना पड़ेगा ना भगवान को, आ जाएगा तो घर में भूखे थोड़े रहोगे, भगवान भूखे भूखे तो मारोगे नहीं, रखोगे नहीं, फिर चिंता होगी भगवान अब तो दूसरे घर चले जाओ, ये यही बिना करना पड़ जाएगा। नदी करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन भीतर भगवान आ जाएगा तब, वो तो हम यहाँ हमारे भीतर ही बैठे हैं ना, कहाँ छूटेगा। इसलिए अपने को जानने की बात है, आप भगवान स्वरूप हैं, भूल गए हैं अपने आप को, दोषों में, दुर्व्यसनों में, दुराचरणों में और तमाम प्रयास गलत आदतों में अपने को संवारना है। इसी के लिए धर्म का मार्ग है। मैंने कहा था शुरू में, शरीर को जो आवश्यकताएं हो तो पूरा करना पड़ेगा, उसके बिना काम ना चलेगा। लेकिन जी करके करोगे क्या? आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? लड़ने झगड़ने के लिए। तो जिंदगी बिगड़ता तो जामर अच्छा। कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, जिए भजन के लिए। जब भजन के लिए जिएंगे, भीतर भगवान प्रकट हो जाएगा और सारा दुख खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था हमारी यात्रा शुरू होनी चाहिए व्यवहार से परमार्थ की तरफ और भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ। थोड़ी सी चर्चा मैंने की और कुछ ऐसी बातें भी बीच में आई होगी जो बातें आपने पहली बार सुनी और थोड़ी कड़वी लगी होगी, लेकिन मेरी बातों पर विचार करना, चिंता करना, मंथन करना, जो उचित लगे स्वीकार कर लेना, बाकी छोड़ देना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सबके लिए शुभकामनाएं।
अपनी रानी को दे रहा।